दा नूर दिसे नूर दिसे दा नूर दिसे नूर दिसे नूर दिसे नूर दिसे नूर दिसे मैं जिधर जिधर देखूं दा नूर दिसे से नूर दिसे जमी से लेकर आसमां तक क्या जीदा नूर दिसे नूर दिसे जीदा नूर इन अलियां वलियों में जीदा जीदा नूर दिसे उन हर पासे ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये समझ आ गई है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि ना असत्य विद्या भावो न भावो विद्या असत्य, कि जो असत्य है जो झूठ है वो कुछ क्षण के लिए होता है, सदा के लिए नहीं रहता। जो सत्य है वो हमेशा उसका एग्जिस्टेंस है। अब सत्संगत विचार करें, अपनी ओर देखें कि ऐसा क्या है जो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। हम सत्संगत अपने साथ संबंधियों रिश्तेदारों की परिवार की बात करें, सत्संग बिछोड़ा लगा हुआ है, कहीं सत्संग हमसे कोई बिछड़ रहा है, कहीं हम ही बिछड़ रहे हैं। सत्संग लगातार सत्संग बिछोड़ा बना हुआ है, लगातार शासन कोई जा रहा है, कोई अपना कोई परिवार का, कोई संबंधियों में, कोई दोस्तों में, कोई रिश्तेदारों में, शासन पल पल भी छोड़ा है। यहां तक कि शासन ये जो शरीर हमारा है जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसको भी शासन एक दिन हमने छोड़ दिया, ये भी हमारे साथ नहीं रहेगा, तो फिर शासन रहेगा क्या? जिस सत्य की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं वो शासन क्या है जो हमारे साथ रहेगा, ये समझ आती है आपके सात संगत में ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद। और शासन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी सात संगत ये लेना तो शासन बड़ी कृपा हुई, लेकिन लेना वो वैसा है जैसे हमने खाना कमा लिया। मुबारक है हमने खाना कमाया, उससे भी मुबारक तब होगी जब हम खाना बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी मुबारक तभी है
जब हम उस बनाए हुए खाने को खाएंगे। सतगुरु आया, ऐसे संतों की चोन की उसने, ऐसे संतों को चुना, कहीं भिक्षु का कहीं ताकि सतगुरु का संदेश जन जन तक पहुँचाया जा सके। मुझे भाग्यशाली होता है जिसको करोड़ों सिखों में से गुरु चुनता है, जिसके ऊपर विश्वास करता है। वो कितना सत्कार जो कितना हो तब त्याग मेरा उसका जीवन होता होगा। साथ में उस कैटेगरी में स्टेज पर विराजमान का है, शुक्रिया भी है, धनका भी है। साथ में जो पहली जो सात संगत है जो जो हो रही है गौर माने की साथ में जी ने कृपा की है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हर समय ही फिजिकली तो आते जाते लेकिन जो दिल से आते जाते नहीं है, दिल में हमेशा ही रहते हैं। लेकिन वो दिल से जाके देखिए तब मालूम है तो है कि हाथ से आगे जा रहे हो, हाथ जा रहे हो, लेकिन फिर से जाके बताओ फिर मैं मानूँ।
ये हर एक हिस्से में नहीं आया। ऐसे संत महात्मा दिल में बस जाते हैं, वो जब बस जाते हैं फिर वहाँ से निकलते नहीं हैं। ऐसी उनके पास कला है। करने का मौका सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के रहम व करम से मिला है। मौसम भले ही कैसे शुरू हुआ और कैसे कायम हुआ वो तो आपके सामने ही है, लेकिन आपको जो वेलकम शावर मिली, कभी कभी ऐसे इत्तेफाक बनते हैं। नॉर्मली जब शोभा यात्राएं निकलती थी तो परफ्यूम सेंट वगैरह पानी में मिला के इत्तेफाक बन दिया, रुकावट भी बने। इत्मीनान से आप और नज़दीक होके बैठे, ऐसा एक वेदर फैक्टर बना दिया। समय के मुताबिक ही सत्संग की शुरुआत और राइट समय पर सत्संग का कंक्लूड, ये भी मर्यादा है, ये भी एक अनुशासन है जो कठुआ में आकर देखा गया। जैसे घर में कोई टोली आती है हमारे आफ्टर मैरिज, तो हम कैसे फुलकारी लेके उसके नीचे से लेके आते हैं जो भी ब्राइड होती है। कुछ ऐसा ही माहौल बनाया गया, एक प्लास्टर की तरपाल दोनों तरफ से महात्मा लेके। बारिश होती रही लेकिन इसको किस तरह से कंट्रोल किया गया। अजीत सिंह जी जितना भी इनके बारे में कहें शब्द कम है। मिशन के एक बहुत ही प्यारे प्यारे स्तंभ बिगनिंग से लेकर आज तक उसी स्पीड से स्पीड अप है, और इसी में ही जॉइंट वेंचर के रूप में उधमपुर जोन से यहाँ के ही रहने वाले दोनों भाई परम आदरणीय विचित्र पाल सिंह जी भी सुशोभित है, नमन है। जहाँ तक विचारों का प्रवाह है वो तो आज भी हमने देखा, आज भी सुना। भले ही वो विद बीट ऑफ ड्रम सितार बजा के ढोल बजा के विचारों के रूप में प्रस्तुति हुई, वैसे तो सबको समाप्त करके बड़े बड़े विद्वान लोग जब मिलते हैं कहते हैं अब तो मिशन की बहुत बड़ी वंडर है कि गागर में सागर सुना था लेकिन भरी हुई देखिए। सतगुरु ने कैसे वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सुखैन मंथन करके नाम रूपी अमृत, एक को जानो एक को मानो एक को जानो है तो छोटा सा। पहली बात तो एक को जानना भी ये कोई मेहनत का तो सिलसिला है नहीं है। हजूर कहते हैं एक इसे एफर्टलेस एफर्ट, एक ऐसी कोशिश है जिसमें कोशिश नहीं कशिश होती है। तो अपना लाया प्यार न लगे, हमें सतगुरु ने अपने चरणों में जगह ली और साथ साथ जो बैकअप किया गया आप प्रभु परमेश्वर की संतान हो, उसको कभी भुलाना नहीं है और इसको कभी छोड़ना नहीं है।